वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किंगोज़ा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिना पैसे खर्च किए मिनटों में पीतल और तांबे के बर्तन और ज्वेलरी को चमकाने का आसान तरीका बताने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले बेल आइकॉन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोस और अच्छी अच्छी तरह के फार्मूले मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तांबे के बर्तन और ज्वेलरी और पीतल के बर्तन साफ़ करने के लिए हमें चाहिए आधा कटा नींबू और एक स्टील बूल। आइए अब इसे चमकाते हैं। इसके लिए नींबू को कड़े के ऊपर रगड़ते जाएं। इसको अच्छी तरह रगड़ ले और नींबू के साथ रगड़ने के बाद कुछ देर इसको ऐसे ही छोड़। इसी तरह पीतल के बर्तन पे नींबू लगाकर रगड़ ले। कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दे। अब 2 मिनट हो चुके हैं और मैल सारा नींबू ने सोख लिया है। अब इसको स्टील वूल से थोड़ा सा रगड़ दे। ऐसे ही इन कड़ों को रगड़े। देखिए इसमें चमक आती जा रही है और ये ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी ही बनाकर लाए हुए हों, एकदम न्यू ब्रांड की तरह। बिना मेहनत बिना पैसा खर्च किए मिनटों में ज्वेलरी और बर्तनों को चमकाने का सही फार्मूला। अब इसको सादे पानी से धो देंगे। धोते ही देखिए ये एकदम चमक उठा है। इसी तरह कड़ों को भी धो लीजिए। आप देख रहे हैं कि कड़े ऐसे लग रहा है जैसे अभी बाजार से खरीद कर नए लेके आए हैं। इसी तरह स्टोन लगी हुई अंगूठियों को भी आप देख रहे हैं कि कैसे चमक रही हैं। अब देखिए आपके सामने केवल 2 मिनट के अंदर चकाचक चौंध लिए हुए ज्वेलरी और बर्तन।